नमस्ते दोस्तों, कांता कोलकाता ब्लॉग से आप लोगों को प्रणाम। ये देखिए, थोड़ा नमक डाल देंगे। ये चने की दाल है, एक कप चने की दाल है, आधा कप उड़द की दाल है, हींग है, हरी मिर्ची है, अदरक है। असल में ये बनाने के मूड में नहीं थे, मेरे पास वीडियो नहीं है, तो हमने कहा ये बनेगा तो दिखा दे, नहीं तो आपको लोगों को एक एक चीज दिखाते। हमने इसमें बेकिंग पाउडर या सोडा कुछ भी नहीं डाला है, हमने ये सब कुछ भी नहीं डाला है। इसको आप पीस लीजिए अच्छे से, इसको आप अच्छे से पीस लीजिए, पीस के फेंट लीजिए। जो लहसुन खाएगा वो लहसुन डाल लेंगे। इसको हमने 3 घंटा रख दिया था भिगो के, पीस के 3 घंटा रख दिया था। इस तरीके से मंगोड़ी बनाएंगे, तेल खूब अच्छे से गर्म हो जाए मंगोड़ी बनाएंगे। अच्छे से तेल गरम हो जाए, थोड़ा चेक कर ले, अच्छे से गरम हो गया है। छोटी मंगोड़ी बनाएंगे दोस्तों, जो आप यहाँ के ठेले में खाते हैं उसी टाइप का है ये। आप ज्यादा स्टोर करके के भी रख सकते हैं, दूसरे दिन ग्रेवी बना के रसेदार सब्जी भी बना सकते हैं इससे, लेकिन हम नाश्ता बना रहे हैं। इसी उड़द की दाल डाल देने से सॉफ्ट बनता है और कुछ नहीं। और इसको पीस के 3 घंटे के लिए रख दीजिए बाहर, तो आपका खूब अच्छा सा कुरकुरा और फूला फूला बनेगा। बेकिंग पाउडर सोडा कुछ भी नहीं डालने की जरूरत है। पलटा पलटा करके थोड़ा बच भी जाए ना, तो दूसरे दिन आप रसेदार सब्जी में या तो फिर कढ़ी में भी आप डाल सकते हैं। दोस्तों ठंड पड़ गई है, रात के टाइम में कभी कभी बनाया करिए, एंजॉय करें। लइया है, इसमें हमने ये आम का अचार है परसल का, ये थोड़ा मसाला और थोड़ा खट्टा है, ये अच्छा लगेगा खाने में। आप अपने हिसाब से तेल डाल दीजिएगा जैसे जितना चाहिए। खीरा टमाटर उबला हुआ आलू, आप प्याज खाते हैं तो डाल लीजिएगा। थोड़ा सा टोमेटो सॉस, ये होममेड है, घर में जो चीज अवेलेबल है उसी से हमने बनाया है। अचार में नमक था इसलिए हमने नहीं डाला। देखो ठीक से टेस्ट करके, थोड़ी थोड़ी सी टमाटर जो भी कुछ बचा हुआ था तो हमने वही डाल के बना लिया। ये मंगोड़ी डाल दिया साइड में खाने के लिए, मंगोड़ी डाल दिया, इतना है और इतना और बचा है, कल रसेदार सब्जी बन जाएगी। इतना डाल दिया है
और एक आम का टुकड़ा डाल रहे हैं। चलिए दोस्तों, ने झटपट घर की रखी हुई चीजें से बनाया है। ये चने उड़द की दाल है, आप मटर उड़द की दाल जरूर 2-4 चम्मच डाल दिया करिए, उससे बहुत अच्छा सॉफ्ट बनता है। आप मटर की दाल, मूंग की दाल किसी से भी बना सकते हैं। इंजॉय कीजिए, चाय बन रही है हमारी, आप लोग को भी पसंद हो आ जाइए। नमस्ते, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब लोग खुश रहे, मस्त रहे।